हम दर्शक को बता दें कि राती डांग में एक घर के अंदर से कुछ एक युवक और युवती को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जहां पर जो राती डांग कॉलोनी के जो निवासी थे आसपास के, उन्होंने पुलिस को शिकायत दी थी कि इस घर के अंदर वैश्यावृत्ति जैसी जो कार्य है, असामाजिक कार्य है, उसको वो फिर से यहाँ पर किया जा रहा था। लेकिन जब पुलिस ने पूरी पड़ताल की, पूछताछ की, तो उसके बाद जांच में सामने आया है कि ये एक कपल था, एक लड़का और लड़की थे, जो यहाँ पर किराए के तौर पर किराए का मकान उन्होंने यहाँ पर रखा था और वो यहाँ पर रहते थे। लेकिन पूरी जांच के अंदर पुलिस को वैश्यावृत्ति से संबंधित कोई भी असामाजिक कार्य यहाँ पर करता हुआ नहीं मिला है। हालांकि पहले जो कॉलोनी में जो रहते थे उनका थी कि मकान के अंदर वैश्यावृत्ति जैसा कार्य करवाया जा रहा है या किया जा रहा है। लेकिन जब जाँच पुलिस ने पूरी तरीके से की, तो जाँच में ये सामने आया है कि ये जो जिन लड़कों और लड़की को यहाँ से पुलिस ने गिरफ्तार किया है, ये एक कपल है और अनमेरिड कपल है जिनका विवाह नहीं हो रखा है और ये अपनी आपसी सहमति के साथ में यहाँ पर मौजूद थे। फिलहाल पुलिस ने दोनों जो युवक और युवती हैं उनको 151 में गिरफ्तार किया है और देर बाद उनको वहाँ से छोड़ दिया जाए। ये रातडांग इलाका सर, मेरा नाम फिरोज खान है, ये सामने मेरा मकान है। 15-20 दिन से इनमें ये लड़के, एक दो तीसरा मकान है इन भैया का जो मकान है उसमें ये रहते हैं किराए से, उसमें असामाजिक गतिविधियां चल रही थी। इन भैया को भी मैंने कम से कम 10-15 दिन पहले रोक के बोला था, भाई ऐसे लड़के रात होते ही चिल्ला चोट मचाते हैं, पहले तो खूब चिल्लाते हैं ये 12-1-1-2-2-3-3 बजे तक, वैसे हम परेशान हैं इस मकान की वजह से। उसके बाद के अंदर ही क्या है, कभी 15-1 दिनों से कभी 2 लेडीज़, कभी 3 लेडीज़, कभी 4 लेडीज़ आती है, कभी मैं देखता हूँ, कभी अड़ोस पड़ोस ने भी देखा है, एक बार मेरी वाइफ ने भी देखा, एक दो अड़ोस पड़ोस में वो लेडीज़ रहती है, इन्होंने भी देखा। इन्होंने बोले बोले भैया ये कौन है, ऐसे आते जाते करते, तो एक दो बार तो मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने चलो कोई ठीक है कोई बात नहीं। 3-4 दिन से हम इन पर नज़र रखे हुए थे। आज मैं जब इनको ये देखा तो हमने कैमरे में पहले रिकॉर्डिंग देखी, ये कैमरे हैं मैंने लगा रखे हैं गली में अपनी सेफ रहे, इस वजह से तो देखने में हमने मालूम चला कि एक लड़का अंदर लेके गया है और दूसरा लड़का वो यहाँ से रवाना हो गया गाड़ी लेके, बाहर से ताला वाला लगा के, हमने ताला लगा दिया, पुलिस को इत्तला करी, इतने पुलिस आ गई यहाँ पे, हमारे सर हैं ये पुलिस में, ये पास में रहते हैं, इन्होंने पूरी हमारी सहयोग करा और इस वजह से जो ये कांड है इसका पर्दाफाश हुआ है और पुलिस उस लड़की और लड़के को मौके पर पकड़ के पुलिस स्टेशन ले गई है। किसका मकान है ये? मकान इन भैया का है, सामने खड़े हैं कुरैशी हैं, इधर आएंगे सामने। क्या नाम भैया आपका? जाकिर हुसैन। जाकिर भाई का इनका मकान है, जाकिर का, शाकिर भाई का। क्या पढ़ने वाले स्टूडेंट रहते थे ये? पढ़ने वाले स्टूडेंट तो थोड़े बहुत ऐसे भी लगते थे, थोड़े से गुंडे टाइप के भी लगते थे। अब ये कम से कम, पहले भी हमने एक बार इनको टोका, 4-1 लड़के थे, मैंने कहा इनकी शिकायत करी थी इस मकान मालिक से, तो 4 लड़के तो इन्होंने 20 तारीख को खाली करवा लिया था। उसके बाद में भी ये 5-7 लड़के और रहते हैं, आते जाते हैं, उनमें पुराने वाले भी हैं और नए वाले भी हैं। तो नए वाले, आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम फिरोज खान है सर, मैं कैटरिंग का काम करता हूँ, सामने मेरा मकान है, ये गोदाम।